महागणाधिपतये नमो नमः। अंबाणी हिरण्यगर्भाय नमो नमः। ॐ श्रीं जगन्नाथादि चतुर्धामूर्तये नमो नमः। ॐ मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ॐ गणानां त्वां गणपति कुं हवामहे प्रियाणां त्वां प्रियपति कुं हवामहे। निधीनां त्वां निधिपति कुं हवामहे। बशोर ममः। ॐ परं ब्रह्म पिठियो कुवलय दलो तत्फुल्ल नयनो वासी नीलात्रो निहित चरणं अनंत शिरसी रसानंदो राधा सरसव पुरा लिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम् प्रभु जगन्नाथा यते नमः। जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। कलया शांत महाप्रभु अनंत कोटि ब्रह्मांड नाथ सचराचर जगतर मालिक श्री जगन्नाथादि चतुर्धा महाप्रभु मूर्तिंकर अभय चरणारविंद जुगलरे आज पवित्र आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष दशमीर पवित्र शुभ बेलारे शुभ लग्न रे शुभ दिवस रे पवित्र बाहुड़ा जात्रार अवसर रे ए नाकचना मंडपर द्वार देशरु ए अकिंचन सूर्य नारायण समग्र विश्ववासी जगन्नाथ प्रेमी भक्तमानंकु बाहुड़ा जात्रार उपलक्षे हार्दिक अभिनंदन। कालिया शांतंकर आज बाहुड़ा जात्रा बाहुड़ी जीवे आज महाप्रभु पहंडी विजय होई आसीबे रथत्रयर विराजमान करी बाहुड़ा जात्रा करिवे आसीथिले जेउठु जाई पहुंचिबे सिथि गुंडीचा जात्रा जाता यतर दोयर मध्ये सप्ताहे मंडपे स्थितम जीवा आसीबा थिला दुई दिन रहिले सात दिन एवं आज दशमी दिन रे नवदिनात्मिक यात्रा को संपन्न करी इंद्रदन्न महोत्सव को पूर्णाहुति करी अगणित भक्त मानंकु चर्म चक्षुरे अपूर्व नेत्र को दर्शन देई गतकाली संध्या दर्शन देई महाप्रभु नवदिनात्मिक यात्रा रे आड़प मंडप रे अगणित भक्त मानंकु अगणित जीव मनुष्य देव गंधर्व ऋषि को दर्शन देई कृतार्थ कले आउ मन नहीं आउ रही पारिबे ना। यात्रा करिबे बाहुड़ा यात्रा
आसीथिले आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथिर पवित्र दिवस रे ए रथत्रय रे विराजमान करी आसीथिले ताल ध्वज दर्प दलन नंदी घोष नामक रथरे विराजमान करी ए यात्रार मूल उद्देश्य थिला ए यात्रार मूल उद्देश्य थिला गंतव्य स्थल को आसीबा ए यात्रार एकमात्र रथ निर्माण रथर प्रस्तुति ए रथयात्रार एकमात्र कारण आसीबे कालिया शांत नवदिनात्मिक यात्रा करिबा इंद्रदम्न महोत्सव करिबा अतीतरे श्री गुंडीचा राणी की वचन देथिले मु आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि रे आसीबे सात दिन विराजमान करिबी अंतरवेदी महोत्सव करिबी अगणित भक्त मानंकु आलिंगन करिबी ई आलिंगन यात्रा प्रेम प्रेमास्पदर यात्रा भावर आदान प्रदानर यात्रा प्रिय प्रियात्मकर यात्रा ए यात्रा समापन करी रहिबी सात दिन एवं बाहुड़ा यात्रा आषाढ़ शुक्ल दशमी तिथि रे बाहुड़ी जी महाप्रभुंकर आसीथिले बाघर हेथिला आषाढ़ ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि रे बाघर हेला चतुर्थी होम हेला पूर्णिमा एवं चतुर्दशी राति पहांतिर मध्य रे एवं आसीले स्नान मंडप को चतुर्धा मूर्ति सहस्र कुंभाभिषेक जल रे स्नान कले हाथी वेश हेले प्रसाद खाइले थोरो बुलाइण भुंजंती अन्न को भोजन कले एवं सहस्र कुंभाभिषेक जल रे स्नान करिथिवारु शरीर रे कंप सृष्टि हेला ज्वर आसी निवृत कंदर मध्य रे विराजमान कले पंचदश दिवस व्यापी नवजौवन दर्शन नेत्र उत्सव आदि उत्सव पालन करी आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि रे जेऊं गंतव्य स्थल रथयात्रा मूल उद्देश्य रथयात्रा आसीबार एकमात्र उद्देश्य मु अंतरवेदी महोत्सव करी आड़प मंडप रे सात दिन विराजमान करी एवं बाहुड़ी जी मझीरे आसीथिले मां रथयात्रार पंचम दिन आसी महाप्रभु को निवेदन करिथिले आगंछन्तु महाभागा नीलाद्रि मंडप प्रति हे महाभागा हे ब्रह्मांड नायक हे सचराचर जगतर मालिक जगन्नाथ हे जगन्नाथ स्वामी तुम्हें यथाशीघ्र बाहुड़ा विजय कर मांकर निवेदन मांकर प्रार्थना श्रवण करी महालक्ष्मींकर निवेदन रे महाप्रभु आप्यायत हेले देखि नथिले तांकर कालिया शांत तांकर स्वामी तांकर आत्मार स्वामी तांकर प्राण वल्लभ से किपरी से कला कि गोरा से किपरी ठाकुर चतुर्थी होम सरीचि बाहुड़ी आसीछंति मुह देखा देखिर समय मध्य नाही समय जहाँ थांता शरीर असुस्थ होई पड़िला तेणु आसीछंति माँ बा विमलांकर निर्देश नहीं आसीथिले हेरा पंचमी दिन हेरा शब्दर अर्थ हेला देखिबा किए कहाकू देखुछ निजर प्रिय प्रियात्मक को देखुछंति